क्या रहेगा? और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे। ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ, सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की, लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी, मैं डबल मेहनत करूंगी, पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो, प्लीज रोहित ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर चूज वन, बेटी या मैं। पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जाओ।
मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ मैं दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू, ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी। यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है। बाहर आओगी तो मैं ही तरह धक्के खाऊंगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग, बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ मत आ तू, मत आ मत आ तू बाहर ही मत आ। मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला।
गंगा भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोक में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने नहीं आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोक में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोक में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, वो डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूल सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। बचती रहे, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा जाता है अभी? क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, 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 रोहित उठो, अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कौन थी? वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति, नहीं, अब मैं समझ गया हूँ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है, बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है, हमें इन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा, इस दुनिया
उनकी कैफियत होगी। इसकी शुरुआत हम करेंगे, उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे।